बिल्कुल परेशान मत होना, हरियाणा से आया हूँ, ताली बजाओ मत बजाओ, हमें दोस्त महसूस नहीं होता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भैया ने कह दी, कुछ ने कह दी, बैठ जाओ, कोई अपनी खड़ी खड़े बोले सर लिए भाई बढ़िया सब लोग देखो बैठ जाओ, आदमी बैठते हैं सारे यहाँ बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि दरअसल होता क्या है मैडम, मैं आपको बताता हूँ, समझदार से लग रही हूँ मुझे ना, घबराहट होने लग जाती है। एक कार्यक्रम में मैं चला गया, एक भाई ऐसे बहुत देर तक खड़ा रहा, मैंने कहा बैठ जा, तेरे को शर्म नहीं आती इतनी देर होगी खड़े खड़े, बोले यही कहने के लिए मैं खड़ा हूँ। आदमी कहाँ कब कैसे किसकी कैसे इज्जत उतार दे कुछ पता नहीं, इसलिए मैं तो बता ही चुका कि एक बार ताली बजाओ मत बजाओ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं देखिए घर से पानी तो चलता हूँ। हाँ ये भैया कह रहे थे बड़े सुंदर कटारिया सुंदर, मुझे पता है मैं मेरा नाम ही सुंदर है, कुछ खास सुनिए भाई देखने के लिए आके लगा लिया है। और ये पैसा मुझे यूं पता कि मैंने घर में पिताजी से कहा, मैंने कहा लव मैरिज करूंगा, बोले बेटा तू लव मैरिज ही करी हो। जाट
मेरे को इंग्लिश आती नहीं, बहुत बड़ा आदमी जाट, बहुत बड़ा होता है भगवान कसम, बहुत बड़ा। एक बार बैंक में चला गया लोन लेने के लिए, बैंक का अधिकारी ने कहा, बोले बैंक में खाता है, बोले जी अब तक तो खाता लगा रखे लोन दे दोगे? इतना सही होता ना वाली जाट, सच्ची बात है। एक बार एक जाट नेता बन गया, नेता बन गया तो आता मतलब विषय में भाषण देने चला गया, और भाषण सुन लो उसका, बोला दोस्तों आता हत्या करना पाप है, अन्याय है, अत्याचार है, इस तरह बड़ी आदमी खुद की गोली मार ले वो ठीक। अब उससे भाई इंग्लिश की बात कर रहा, देखो इंग्लिश मेरे को विश्व को मेरे से ज्यादा आती, मेरे को कितनी आती है, बोला भैया आपको इंग्लिश आती है? मैंने कहा यस। बोला कितनी? मैंने कहा बस पूरी बात बताई घरवाली, फिर प्यार से मुस्कुराई, बोली पकड़ छोले को मैं आटा गूंथ लाऊं,